नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता, फार्मासिस्ट की आवाज़, आपकी आवाज़, आपका स्वागत है। और मैं आज फार्मासिस्ट की आवाज़ से बात करूंगा फार्मा रेंटिंग यानी रेंटिंग सिस्टम में बात करूंगा कि एक बहुत ही बोला जा सकता है कि जो भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी है। यानी आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा, बैचलर्स या मास्टर्स, और अपने उसके बाद अपने लाइसेंस को किराए पर दे देना यानी किसी और व्यक्ति को दे देना केमिस्ट चलाने के लिए, क्योंकि आपके पास एक अधिकार मिल जाता है डिप्लोमा या बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद। हालांकि ये अधिकार डिप्लोमा या बैचलर लेवल पे मिल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं लोगों को लगता है कि मैं किसी अपने लाइसेंस भाड़े पे लगा देता हूँ और इसे हर महीने पैसे आते रहेंगे या किसी को सालाना आते हैं। मैं बता सकता हूँ अभी सालाना 50,000, कोई 60,000, कोई 1,00,000 रुपये, जगह जगह पर डिपेंड करता है कौन से सिटी में आप अपनी लाइसेंस लगाते हैं। परंतु मैं बता सकता हूँ ये आपके जो लाइसेंस लगाना काफ़ी महंगा ही पड़ सकता है, और आपकी जब समय खराब रहेगी तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जेल तक हो सकती है, या तो आपकी परमानेंट लाइसेंस कैंसिल की जा सकती है, या आपके ऊपर कई सारे जो सेक्शंस आपके ऊपर लग सकता है। मैं हाँ बता देना चाहता हूँ, इंदौर का ही मैं घटना बता देना चाहता हूँ आपको कि इंदौर में क्या हुआ कि एक बच्ची की तबीयत खराब थी। उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसको दवाई किसी से मंगाया गया और बोला गया कि बच्ची को ये प्रॉब्लम है, एक स्वाइज जो भी प्रॉब्लम है। केमिस्ट ने उसकी दवाई दे दी। दवाई देने के बाद क्या हुआ, उस बच्ची ने उस दवाई को खाया और दवाई खाते ही आधे एक घंटे में बच्ची की तबीयत बिगड़ जाती है अचानक और काफ़ी सीरियस हो जाती है। उसके बाद उसे रफा जल्दीबाजी करके अस्पताल भेजा जाता है। अस्पताल जाने में बताया जाता है कि इस बच्ची का जो डोज है यानी ड्रग है वो एडल्ट का दे दिया गया है। यानी उस केमिस्ट ने उसको पता ही नहीं चला कि उसका डोज क्या है, बच्चे का किसको देना है, एज क्या है, ये बिना सवाल पूछे उसने सीधे डिस्पेंस किया। डिस्पेंस करने के बाद बच्ची ने खाया और उसका अचानक तबीयत खराब हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है आप सोच के भी दंग हो जाइएगा। वो इंदौर के एक एसपी थे, उनकी बेटी थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हैं केमिस्ट के पास जाते हैं और उसके ऊपर FIR दर्ज कराते हैं। वहां पर हुआ क्या था कि वहां पर वो फार्मासिस्ट था ही नहीं। फार्मासिस्ट जो था उसने अपने लाइसेंस उस बंदे को दे रखा था जिसने उसने केमिस्ट चलाया था, उसने वो दवाई दिया था और केमिस्ट फार्मासिस्ट कहीं और काम कर रहा था। यानी वहां पर कोई फार्मासिस्ट था ही नहीं, यानी विदाउट फार्मासिस्ट दवा को दिया गया। उसके बाद उसको ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को फोन किया गया, उस पर फिर एक्शन हुआ। उसके बाद दोनों की कार्रवाई की गई, फार्मासिस्ट और जो प्रोप्राइटर था जिसपे भाड़े पर लिया था लाइसेंस, उसको दोनों को जेल भेज दिया जाता है। हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता ना आप जिसको लाइसेंस दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, किसको दवाई दे रहा है, वो उतने ज़्यादा लायक है या नहीं है, यानी वो उसको कुछ फार्मा का या मेडिकल का नॉलेज है कि नहीं है, ड्रग साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, कौन सी कंडीशन में प्रोहिबिटेड मेडिसिन कौन से एज में दिया जाता है, पेशेंट की क्या मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, पेशेंट कहीं किडनी का पेशेंट तो नहीं है या किस तरह प्रेगनेंसी तो नहीं है, ऐसे तमाम चीज़ें देखने के बाद ही दवाई दी जाती है। और अभी हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर्स से ज़्यादा केमिस्ट दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना एडवाइस के, बिना पूछे आपको दवाइयाँ डायरेक्ट दे देता है। और वो लोग होते हैं मैक्सिमम जो किराए पर लाइसेंस लेकर अपनी दवाई दुकान चलाते हैं। तो आप यदि लाइसेंस दिए हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि आपको भी जेल हो सकता है और आप भी चीज़ों में फंस सकते हैं, आपकी कैरियर स्पाइल हो सकती है या आप कहीं काम कर रहे हैं वहां से आपकी नौकरी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह का कोई भी सीरियस, क्योंकि ड्रग से कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है, सीरियस साइड इफेक्ट हॉस्पिटलाइजेशंस, लाइफ थ्रेटिंग्स या सम टाइम में भी पॉजिटिव डेथ, तो आपके ऊपर सारे चार्जेस लग सकती है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है। दो मिनट के लिए सोचिए, वाकई में आपने डिप्लोमा, बैचलर्स यानी आप फार्मासिस्ट हो और आप इस तरह का काम में इन्वॉल्व हो, तो थोड़े दिल से सोचो और दिमाग से सोचो कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, थोड़ा दूर तक सोचो, क्योंकि जो केमिस्ट है वो उतनी ज़्यादा समझदार या एलिजिबल या उतनी ज़्यादा वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच से वो बाहर है। यदि वो वाकई में सोच सकता तो वो डिप्लोमा बैचलर करके आपको लाइसेंस भाड़े पे लेता नहीं, वो खुद करके बैठ जाता। आप इतना सोच सकते हो। फार्मासिस्ट की आवाज़ आपकी आवाज़, और फुल फार्मासिस्ट की आवाज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ अपना लाइसेंस किराए पर मत डालें, अपने अधिकार को समझें। आपके इस कारण से किसी की जान जा सकती है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की लाइफ थ्रेटिंग हो सकती है, इश्यूज
किसी को हॉस्पिटलाइज हो सकती है, यहाँ तक डेथ भी हो सकती है या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन भी हो सकती है यदि वो कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में होगा तो। इस चीज़ों को समझे आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, आपने डिग्री अपनी सर्विस देने के लिए किया है, लाइसेंस भाड़े पे लगाने के लिए नहीं। थैंक यू सो मच फार्मासिस्ट की आवाज़, आपकी आवाज़ जुड़े विद रोहित गुप्ता। थैंक यू सो मच।